गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मैं सरिता झा। आज हम लोग हिंदी व्याकरण किताब का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले भाषा के विषय में समझेंगे। भाषा भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान के साधन हैं। लोग अपनी बात कहने के लिए कई तरह के साधन अपनाते हैं, जैसे संकेत के द्वारा, बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर। बच्चों, अब हिंदी व्याकरण किताब के पेज नंबर 5 निकालिए और चित्रों को देखिए। पहला चित्र में अध्यापिका संकेत द्वारा बच्चों को चुप रहने के लिए कह रही है, और उसके बगल के चित्र में बच्चा माँ को इशारे द्वारा अपने भूखा होने की बात बता रहा है। बच्चों, अब दूसरे चित्र में देखिए। नेताजी भाषण में अपनी बात बोलकर बता रहे हैं और लोग उसे सुनकर समझ रहे हैं। अब सबसे नीचे के चित्र में देखिए, लड़की अपने विचारों व भावों को पत्र में लिखकर सहेली को पहुंचा रही है, सहेली को अपनी बात पहुंचा रही है और सहेली पत्र पढ़कर उसकी बात को समझ रही है। इस प्रकार हमने जाना कि मन के भावों अथवा विचारों को संकेत द्वारा बोलकर व लिखकर प्रकट किया जा सकता है तथा देखकर, सुनकर और पढ़कर समझा जा सकता है। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। बच्चों, संकेत या इशारों द्वारा अपनी बात प्रकट करना सांकेतिक भाषा कहलाता है, परंतु व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है। इस प्रकार हम भाषा के दो रूप कहेंगे। मौखिक भाषा, जो भाषा मुख से बोली और कानों से सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे बोलना, सुनना, समझना। मौखिक भाषा के उदाहरण हैं भाषण देना, वार्तालाप यानी मन बातचीत करना, वाद विवाद करना, समाचार वाचन, गायन आदि। अब दूसरा है लिखित भाषा। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित भाषा कहलाता है, जैसे लिखना, पढ़ना, समझना। लिखित भाषा के उदाहरण हैं पुस्तक पढ़ना, पत्र लिखना, समाचार पत्र, पत्रिका, दस्तावेज आदि पढ़ना और लिखना। बच्चों, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मणिपुरी, असमिया, मराठी, बांग्ला, कोंकणी, तमिल, उड़िया आदि। भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हमारे भारत देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब हम लोग लिपि के बारे में समझेंगे। आप लोग वर्ण या अक्षर अ से ज्ञ तक सभी जानती होंगी। इन्हीं वर्णों के लिखने के तरीके लिपि कहलाते हैं, अर्थात वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सभी भाषाएं की अलग अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। बच्चों,
अब व्याकरण क्या है इसे हम लोग समझेंगे। आप इसे अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं, कह सकते हैं। आप लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ती होंगी, तो व्याकरण की उसमें है, व्याकरण की सहायता से ही हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। अर्थात जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अब इस पूरे पाठ को एक बार किताब से आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। बच्चों, मैसेज में भेजा गया काम हिंदी वन क्लास वर्क में लिख लीजिएगा और हिंदी व्याकरण किताब में पेज नंबर 8 और 9 का काम पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।